गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, माता रानी को, भगवान को प्रणाम करता हूं। आज माता जी का गुप्त नवरात्रा तीसरा नवरात्रा है। तीसरे नवरात्रे की आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये साधना का उत्सव है, साधना का पर्व है और गोपनीय साधना जो आपको आपके गुरु के द्वारा प्रदान की गई है उससे सिद्धि पाने का अवसर, आगे बढ़ने का अवसर, स्पिरिचुअल जर्नी में और स्पीड से और तीव्र गति से बढ़ने का अवसर। और तीसरे नवरात्रे में हम थर्ड नवरात्रि में थर्ड आई के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हम पहले पांच चक्रा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। थर्ड आई के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से मुक्त हो जाएं। कभी कभी तीसरी आंख, इसको आज्ञा चक्रा भी कहा जाता है, जन्मजात खुली होती है। पैदा होते ही व्यक्ति जागरूक अवस्था में होता है, उसकी इंट्यूशन अच्छी होती है। कभी कभी धीरे धीरे प्रयास से खुल जाती है थर्ड आई। थर्ड आई है क्या? दोनों आंखों को बंद कर लें और भीतर देखना शुरू कर दें, अपनी सभी शक्तियों को भीतर ले जाना, अपनी बाहरी दुनिया से अंतर की ओर विकास करना। जो वो परमात्मा है उसके साथ एकाकार हो जाना आपका आज्ञा चक्र जागृत होने की निशानी है, थर्ड आई खुलने की निशानी है। इसके बहुत से ढंग बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान में बहुत से विधान हैं, तंत्र विज्ञान में बहुत से विधान हैं, बहुत सी साधनाएं हैं, पर जो सबसे प्रचंड शक्तिशाली साधना है वो गुरु कृपा होना। गुरु कृपा होती है अनानास ही आपकी तीसरी आंख धीरे 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 खुलना शुरू कर देती है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ऐसे बुक्स भी भरी पड़ी हैं, यूट्यूब पे भी आप सुनते हो, 3 घंटे में थर्ड आई खुल जाएगी, 10 दिन में खुल जाएगी, 6 महीने में खुल जाएगी। दोस्तों, इसके लिए कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता। जैसे जब तक आप शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे, आप जिम नहीं जाएंगे, आप एक्सरसाइज खुद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कह सकता कि आप फिजिकली फिट हो पाएंगे। कितने भी विटामिन ले लें, कितनी भी औषधियां ले लें, खुद जलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। जब तक आपकी स्वयं से स्वयं की बात नहीं होगी तो आज्ञा चक्र की बात नहीं बनेगी। इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे कि सबसे ग्रेट चक्रा है। बहुत से महापुरुष, सिद्ध पुरुष ऐसे हुए हैं
जो सीधी थर्ड आई से ही, सीधी आज्ञा चक्रा से ही बात शुरू करते थे। मुझे एक महापुरुष के चरणों में भेजा, बहुत छोटा था मैं, साथ ले गए आदरणीय पंडित श्री फकीर चंद जी महाराज होशियारपुर वाले। उन्होंने सीधी थर्ड आई की बात ही किया, मुझे पता भी नहीं था नीचे कोई चक्रा होते हैं, सेवंथ एट्थ क्लास में पढ़ता हूंगा मैं। कुछ लोग लकी हैं मेरे साथ जुड़े हैं, जो उनके साथ खेलने हैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे गुरुदेव ने थर्ड आई से ही मेरा सफर शुरू कराया। परमादरणीय संत कृपाल सिंह जी महाराज, वो भी थर्ड आई से ही शुरू करते थे, बोलते थे नीचे वाले चक्रा की जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे ऐसे ही चक्रा आपका खुल जाएगा, थर्ड आई आज्ञा चक्रा खुल जाएगा। जब आपका तीसरी आंख खुल जाती है तब आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं, आपको बहुत सी दृश्य शक्तियां नजर आने लगती हैं। आपके जब छोटी सी हल्की सी एक्टिवेशन होती है आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, आपकी इंट्यूशन शक्ति बदल जाती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं, बात नहीं बनी। जैसे ही अर्जुन सरेंडर हुए, कृष्ण ने सब थर्ड आई खोल दिया, सब रूप दिखला दिया। उसके बाद कृष्ण अर्जुन ने युद्ध लड़ा, जीते, ये गुरु कृपा की बात है। स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र थे, नरेंद्र से जब विवेकानंद बने, बहुत आलोचक थे श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। जैसे ही श्री परमहंस जी ने जहां टच किया होश खो बैठे, बहुत देर बाद होश आया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हो गए। आज पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति की पताका फहराती है, जहां हिंदू धर्म को इतना मान सम्मान दिया जाता है, भारतीयों को इतना मान सम्मान मिलता है, उसमें बहुत सा क्रेडिट आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी को है, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे लगता है जैसे चुंबक को लोहे के पास लिया जाए तो धीरे धीरे लोहा भी चुंबक बन जाता है, ऐसे ही जब किसी जगते हुए इंसान के पास आप जाते हैं जिसकी थर्ड आई खुली हुई है, आज्ञा चक्र खुला हुआ है, जैसे आप उनके चरणों में बैठते हैं, जब वो धारा बहने लगती है तो आपका आज्ञा चक्र धीरे 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 खुल जाता है, आगे धीरे धीरे आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं कि जब आपका आज्ञा चक्र खुल गया तो परमानेंट बात बन गई, ऐसी नहीं है, इसके ऊपर ऊपर लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और सबसे जो बड़ा भाव है इसमें वो सरेंडर होने का भाव है। जैसे जैसे आप समर्पित होते जाएंगे, जैसे जैसे आप सरेंडर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका प्यार पड़ता जाएगा अपने इष्ट की देव के साथ, अपने गुरु के साथ, जैसे जैसे आप एक होते जाएंगे अपने इष्ट के साथ, गुरु के साथ, जैसे जैसे आपका मन उनका मन एक हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मुझ में और मेरे इष्ट देव में क्या फर्क है। जब वो तब होगा जब आपको सभी अपने लगने लगेंगे, वो तभी होगा जब पेड़ में, पौधों में, पक्षियों में आपको भगवान नजर आने लगेगा, आपको प्रत्येक जगह उसकी खूबी नजर आने लगेगी। आप ने सुना होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं था पहले,
अपने गुरु चरणों में गया, गुरु चरणों में लगा, कुछ का कुछ हो गया, वो समर्पित हो गया, सरेंडर हो गया। और कभी कभी फिर आदमी भटक जाता है, उसको लगता है कि ये तो मेरा ही दिमाग है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, फिर डाउन आ जाता है। आपका आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना, खुलना, उसका बैलेंस होना बहुत से रोजमर्रा की जिंदगी में आपके काम आता है। उसमें रोजमर्रा की जिंदगी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप क्रोध को बर्दाश्त करें, कंट्रोल करें, दूसरों का दिल ना दुखाएं, दूसरों को डाउन ना करें, जलसी ना करें, जहाँ जहाँ तक हो सकता है सबका भला करने की कोशिश करें। अपने माताजी के साथ, पिताजी के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ ईमानदार रहें। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित होकर साधना करें। हम समर्पित हो नहीं पाते, जैसे जैसे आप समर्पित होते जाते हैं तैसे तैसे आप पे कृपा होनी शुरू हो जाती है। और एक बात मेरे और अनुभव में आई कि साधना और चक्रा, हमारे सेवन चक्रा, हमारे सातों शरीर और नौ ग्रह, इनका एक कॉम्बिनेशन है आपस में। और जैसे जैसे वो स्थितियां पता चलती हैं, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग मंत्र बना है, इसीलिए गुरु सबको अलग अलग मंत्र देते हैं। इसकी चर्चा फिर हम नेक्स्ट रविवार को करेंगे। थर्ड आई कभी कभी किसी की जहां होती है, किसी की जहां होती है, वो सबसे बेस्ट, जैसे दो आंखों के बीच जहां पे। और धीरे 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 ये नीचे आना शुरू हो जाती है जब आपका अभ्यास बढ़ जाता है। जैसे गुरु लोग तिलक करते हैं तो पहले आंख देख के करते थे कि कहां इसकी थर्ड आई है, वहां ही तिलक किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कितनी परंपराओं में जहां ध्यान तिलक होता है, कहीं जहां होता है, कहीं जहां होता है, कहीं जहां होता है, उस चीज को भूल गए। पर अलग अलग व्यक्ति का आज्ञा चक्र अलग अलग जगह पे होता है। इसके आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के लाभ क्या हैं, ना बैलेंस हो तो नुकसान क्या हैं, हम की कैसी कैसी चीजों का ध्यान रखें, इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। पर आज्ञा चक्र मीन कि आप पूरे ब्रह्मांड को आज्ञा दे सकते हो, जिस चीज की आशा रखते हो वो आप कह सकते हो, आपके सोचने मात्र से आपका संकल्प पूरा हो जाना। कहीं कहीं नुकसान से बचा देना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसी ऐसी स्थितियां हुई जैसे बच्चों की थर्ड आई खुली होती है, तो ऐसे ऐसे उनके साथ चमत्कार होते हैं कि उनको तब पता नहीं होता है। जैसे चंद्रेश के साथ स्टोव वाली घटना हुई, सिक्स सेवेंथ क्लास में पढ़ता था, फिफ्थ में पढ़ता था, अभी याद नहीं है। हम श्री सोमनाथ जी भगवान के दर्शन करने गए, वहां बाढ़ आ गई तो रात भर सोया नहीं, बोले पापा चलो नहीं तो मुझे भेज दो। तो संकेत था कि इसकी थर्ड आई आज्ञा चक्र खुला हुआ है। जब भी आप कोई नीचे वाले चक्रों का सफर करते करते जहां पहुंचे हो, ये आपकी मेन केंद्र है आपकी साधना का। जितने लोग
स्पिरिचुअल विद्या से, शक्ति क्रिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको जहीं से ही ध्यान शुरू करवाते हैं, क्योंकि मेन इसी से ही सभी को हीलिंग देनी है, इसी से खुद हीलिंग लेनी है, इसी से प्रोटेक्शन करनी है, इसी से दूसरों को प्रोटेक्शन देनी है, इसी से अपनी विल पावर बढ़ानी है, इसी से इच्छा शक्ति बढ़ानी है, इसी से हमें नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है। ये खजाना है, इतना बड़ा खजाना कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर सच में चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ भी असंभव ना रहे, चाहे वो भगवान के दर्शन करने हैं, परमात्मा के चरणों में जाना है, दुनियादारी में जाना है, तो आपको इसी चक्रा को जागृत करना होगा। मजे की बात यह है कि जैसे जैसे चक्रा जागृत होता है, नीचे वाले ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाते हैं। पर प्योरिटी इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी क्लीम कालिकाए नमः का जाप करेंगे, अपने आप को क्लीनिंग करें, आंख नहीं खोलेंगे, आज्ञा चक्रा पे ही ध्यान रखेंगे। क्लीम कालिकाए नमः, 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 क्लीम कालिकाए नमः। जैसे शुरू में आप क्लीनिंग करने लगते हो तो थोड़ा फास्ट फास्ट करना, फिर धीरे धीरे करना, फिर आपके लिप्स भी ना हिलें, मन में क्लीम कालिकाए नमः। इस मंत्र को सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके गुरुजी द्वारा दिया हुआ मंत्र है तो उससे भी क्लीनिंग कर सकते हैं, उससे भी रेचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। क्लीम कालिकाए नमः, 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 क्लीम कालिकाए नमः। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। मन में मंत्र का जाप करें। अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए, आज्ञा चक्र से रेजेज निकालते हुए पूरी बॉडी को हीलिंग देने की कोशिश करें। हे महाकाली जी, मेरे सेवन चक्रा को क्लीन करो, मेरे इस धूल शरीर को क्लीन करो, मेरे सूक्ष्म शरीर को क्लीन करो, सूक्ष्म शरीर का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी सूक्ष्म शरीर की शक्ति बढ़ती है, हमारी ओरा बहुत स्ट्रांग होती है, हमारे साथ तब कोई गलत नहीं कर सकता, जा कहेंगे गलत हो नहीं सकता।
सूक्ष्म शरीर का मजबूत होना बीमारियों को, कीटाणुओं को, विषाणुओं को रोकता है। बड़े से बड़ा कष्ट बहुत छोटे में आ जाता है। पांव से लेकर के सिर तक रिजेज निकालते हुए अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देने की शुरू कोशिश करें। ये प्रोटेक्शन आपके सूक्ष्म शरीर को मजबूत करेगी। मंत्र जाप, ध्यान सबसे अच्छे उपाय हैं। दान पुण्य करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, अपने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेना बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे आप जो प्रोटेक्शन देते हैं, कम से कम 24 आवर से लेके 48 आवर तक रहती है, इसलिए इसमें कभी नागा नहीं डालना। अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। ये मंत्र आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाला, संकल्प को दृढ़ करने वाला, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और नेगेटिव को बाहर बाहर रखने वाला, आप में प्रवेश ना करे नेगेटिव। हसा काला हरीम, 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 हसकाल 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 हरीम। मन में हसकाल हरीम का जाप करें और अपनी थर्ड आई पे, अपने आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट की छवि को देखने का प्रयास करें। अपने इष्ट देव की मूर्ति, इष्ट देव की पिक्चर, अपने गुरुदेव की पिक्चर, जहां पे आपका ध्यान लगता है, जिस पे भी लगता हो, आपके इष्ट जरूर होने चाहिए। आपको ध्यान में अगर आगे बढ़ना है तो जब तक आपके इष्ट नहीं होंगे, पहुंच तो जाओगे फिर भी मुश्किल होगी। जो हमारे महर्षियों ने, हमारे गुरुओं ने इष्ट बनाने की परंपरा को शुरू किया, बहुत विद्वान लोग थे,
बहुत जल्दी बढ़ते हैं इससे आगे, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अपने इष्ट का ध्यान करें, मन में मंत्र का जाप करें, आप पे इष्ट की कृपा हो रही है, आप पे माता रानी की कृपा हो रही है। मेरे इष्ट भगवान शंकर माता जी हैं, शिव शक्ति हैं, इसलिए मेरे मुंह से वो ही निकलता है। आपके जो भी हों, श्री साई नाथ भगवान जी हों, विष्णु जी हों, कृष्ण जी हों, शिव जी हों, कोई भी हों, कोई भी हों, आपके गुरुदेव हों, मन में ध्यान करें। ध्यान करते करते डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग वरदान है साधना में आगे जाने के लिए। जैसे जैसे आप डीप ब्रीथिंग करते हो, आप उस प्राण की शक्ति के साथ जुड़ जाते हो। और डीप ब्रीथिंग ऐसे करनी है कि जैसे सांस आपके अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस की लेने की और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है एक माला की तरह बन जाए, जैसे जो माला है, आपका पूरा पूरा सांस में ही ध्यान हो जाए। इतनी तन्मयता के साथ आप और सांस एक हो जाएं। जैसे बहुत से लोगों को तो इसका अभ्यास हो रहा है, मुझे उनकी बातों से पता चलता है। कुछ लोग, जैसे आप कभी टीवी सीरियल देखते हो, आप कभी पिक्चर देखते हो, तो उसमें कभी कभी आप कोई कहानी पढ़ते हो तो आप उस पात्र के साथ एक हो जाना शुरू हो जाते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति सीरियल में आ जाता है कि आपको लगता है मैं ही हूँ वो, तो जैसे आप उसके साथ एकाकार होते हो, जब होश आती तो आप फिर लगता जी तो ड्रामा था। पर सांस तो आपकी है और दी हुई भगवान की है, आप सांस के साथ एक हो जाना। गहरी सांस लें नाभि तक, धीरे धीरे बाहर निकाल लें। गहरी सांस लें, स्लोली स्लोली बाहर निकालें। आज्ञा चक्रा का एक्टिवेट होना, आज्ञा चक्रा का शक्तिशाली होना आपकी साधना पे, गुरु कृपा पे डिपेंड करता है। क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग होते हैं कभी कभी, पर प्राइमरी रूप से जो आपको बताए जा रहे हैं जो बेस्ट हैं। आप जब दोनों आँखों को बंद करते हो, कोशिश करके बंद रखें,
तो आप नोट करेंगे कि तीसरी आंख पे जोर पड़ना शुरू हो जाता है। कबीर साहब ने इसको उल्टी धारा कहा है। उल्टी धारा मीन अंतर देखने की कोशिश करना। बहुत से लोग साधना में अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लेते हैं ताकि हम बाहरी ओर से देख ना पाए। कभी कभी कुछ लोग कपड़ा बांध लेते हैं हम बाहर देख ना पाए। प्राइमरी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है, पर वास्तव में तो थर्ड आई का खुलना ऐसे ही है कि आपकी तीनों ही आंख खुली हों, बात बन जाती है। फिर इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये आपके अंतर का सफर है, आप ही जान सकते हैं कि कितना सफर हुआ, कितना बाकी का तो नहीं पता है। जब तक मंजिल ना मिले पता नहीं होता कितना बाकी है। गुरु कृपा से जल्दी कट जाता है, पर जैसे ही सफर को शुरू करते हैं उसका आनंद आने लगता है। उसका नशा, उसका टेस्ट ऐसा है आप छोड़ नहीं सकते हो। पर कलयुग का प्रभाव, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमें कभी कभी ध्यान में बैठने ही नहीं देता। आप बैठ जाएंगे तो ध्यान लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे बैठे हैं, ध्यान लगता नहीं है। लगेगा, बैठोगे तभी लगेगा। जो आप बातें सोचते हो ऐसे ही थर्ड आई खुल जाएगी, कोई खोल देगा। इसके लिए गुरु चरणों में समर्पण होना, आस्था होना, विश्वास होना, श्रद्धा होना और खुद अभ्यास में बैठना, खुद प्रैक्टिस करना, तभी बात बनेगी। बिना मेहनत के ऐसी स्थिति है, आप बिना स्विमिंग सीखे हुए तैर, सोचो मैं सीखूं भी नहीं और नदी में चला जाऊं तो क्या होगा। जब प्रैक्टिस नहीं की होगी, अपने गुरु से तैरना नहीं सीखा होगा तो फिर तो डूब जाओगे। अगर तैरना है, स्विमिंग करनी है तो उसको सीखना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आनंद लेना चाहते हैं। आप अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। उनके साथ एक हो जाएं, उनको अपनी कथा व्यथा कहें, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपका संकल्प है उसको विजुलाइज करें। भगवान ने, उस परमात्मा ने, गुरुदेव ने, माता रानी ने आपका संकल्प पूरा कर दिया। संकल्प शक्ति का, आज्ञा चक्रा का जैसे मछली का पानी के साथ संबंध है, ऐसा ही संबंध है।
संकल्प शक्ति से आज्ञा चक्रा को बल मिलता है, आज्ञा चक्रा से संकल्प शक्ति को बल मिलता है। कभी कभी कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन बलशाली है। अपने संकल्प को विजुलाइज करें, अपने गोल को विजुलाइज करें। माता रानी ने, परमात्मा ने आपका संकल्प पूरा कर दिया, आपका गोल पूरा कर दिया। थैंक्स करें अपने माताजी का, पिताजी का, गुरुजी का और जो भी आपके टीम के साथी हैं जिनकी वजह से आपका गोल पूरा हो रहा है, आपका संकल्प पूरा हो रहा है। और मयूर पंख मुद्रा करेंगे। धीरे धीरे कैंसिल करेंगे। अंजलि मुद्रा करें, ऐसी भावना करें कि आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव आपकी अंजलि को भर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रानी, गुरु महाराज आपके संकल्प पूरे करें, आपके गोल पूरे हों, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। आज बस इतना ही। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, माता रानी को, भगवान को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।